अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद मुख्तार। आज हम बहुत ही मज़े की नई रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। चिकन कबाब हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इसको बिल्कुल हेल्थी स्टाइल में और पैन में हम इसको बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े के होंगे और बहुत ही लाइट ये होते हैं। ठीक है जी, आप बिल्कुल इसको हेल्थी स्टाइल में बनाएंगे हम और ये आपको बहुत पसंद आएंगे उम्मीद है। तो इसको बनाने का जो तरीका है ये डिफरेंट होगा, बड़े यूनिक से तरीके से मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ पहले तैयार कर लूँ। तो इसमें टमाटर जो है वो काफ़ी मकदार में जाते हैं। 1 kg चिकन मिन्स है तो उसमें टमाटर में तकरीबन डाल रहा हूँ 300 ग्राम वेट में। ठीक है जी, कोशिश करें आप वाइन टमाटर लें जिनका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो। ठीक है जी, तो इनको बिल्कुल छोटा छोटा आपने काट लेना और ग्रीन चिली तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को पहले मैं बिल्कुल छोटा छोटा काट के रख लेता हूँ क्यूब्स की शक्ल में या बिल्कुल वेरी स्मॉल। अच्छा जी, ग्रीन चिली को बिल्कुल मैंने छोटा सा इस तरह काट लिया है और इसको अब कीमे में मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने टमाटर जो है इन सारों को बिल्कुल छोटा छोटा काट लेना क्यूब्स की शक्ल में। अच्छा जी, टमाटर और ग्रीन चिली डालने के बाद आपने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेने। टमाटर का जितना भी पानी आपने उसके बारे में वरी नहीं करनी क्योंकि वो सारा इसमें जाएगा। ठीक है, ये जो अपने पानी में जब कबाब बनेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा और ये बिल्कुल जूसी से और सॉफ्ट होंगे, ये बहुत ड्राई और रूखे से नहीं होंगे। तो इसके बाद इसमें हम ग्राम फ्लावर 1 tablespoon इसमें वो ऐड कर रहे हैं और इसके साथ ही इसमें हमने 1 tablespoon गार्लिक की पेस्ट और 1 tablespoon जिंजर की ये इसकी पेस्ट इसमें ऐड कर दी है और कोरिएंडर मैंने 1 handful कोरिएंडर उसको काट के रखा है जी, वो इसमें ऐड कर देता हूँ। आप फ्रेश कोरिएंडर बिल्कुल छोटा छोटा आपने इसको काटना है। इसमें 2 अंडे मैं ऐड कर रहा हूँ। और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मैंने गरम मसाला 1 tablespoon और 1 tablespoon पापरिका, 1 tablespoon नमक, ये 3 चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगा और 1 teaspoon इसमें मैंने क्रश चिली, 1 teaspoon जो क्यूमन होल क्यूमन थे उनको भी क्रश कर लिया और जो कोरिएंडर था होल उसको भी, इन तीनों चीज़ों को मैंने क्रश कर लिया और ये 1 teaspoon है ये इसमें ऐड कर देंगे। और हल्दी और अनार का पाउडर जो होता है ना इसको मैंने 1 teaspoon ले लिया, ये भी सब ऐड कर देते हैं जी। तकरीबन यही थे सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जाने थे और अब इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से हाथ के साथ, आप ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें या फिर इसी तरह ही, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना। ठीक है जी, मिक्स करके अगर आप 10-15 मिनट के लिए इसको रख दें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं, फिर भी ये उसी वक्त भी आप बना सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ये रेडी है। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं रखूँगा तो उसके बाद इसको मैं पैन में बनाता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आपने एक ये पैन लेना और पैन के नीचे आपने आग नहीं लगानी। ठीक है जी, और उसके बाद जो आपने मिक्सचर बनाया है चिकन का वो एक मैं हैंडफुल ले रहा हूँ और इसको इस तरह पैन के ऊपर डाल देना और हाथ के साथ आपने कोशिश करना कि स्प्रेड कर दे इसको पूरे पैन के अंदर, मेक श्योर कि पैन के नीचे आपने आग नहीं लगाई। और इसमें आपने ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा ऐड करने का फ़ायदा ये है कि उसकी वजह से ये उसी के पानी में बनेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे। ठीक है, और उस जो टमाटर आपको मैंने बताया था कि वाइन टमाटर इस्तेमाल करें, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो होपफुली कि जब आप इसको ट्राई करेंगे ये बहुत ही मज़े के होंगे और आप बाकी के जो
दूसरे कबाब होते बनाने का तरीका सब भूल जाएंगे और आप इसी को बनाएंगे। मीडियम सी आज आँच आपने रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम होता है जो कुकर होते हैं इनका, तो आप उस हिसाब से देखें कि मीडियम सी हो, बहुत तो ये फास्ट नहीं बने, ठीक है जी। अच्छा जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने पकाना है एक साइड पे और उसके बाद आपने इसको टर्न करना, ठीक है, जिसके ऊपर आप कोई प्लेट या कोई और चीज़ इस तरह की रख लें और उसके बाद उसको टर्न कर लें। अच्छा जी, ये अगर आप देखें तो ये अपने ही पानी में बन रहा है, जो टमाटर थे इसमें डाले उनका पानी है और या चिकन का अपना जो पानी होता है उसी में ये बन रहे हैं। तो अब इसको आपने टाइम टू टाइम चेंज करते जाना है, अगर आपको लगे कि एक साइड से बन रहा है फिर दूसरी साइड से आप पकाएं, जैसे ये रेडी हो जाए तो उसके बाद आप इसको उतार सकते हैं। अच्छा जी, ये बहुत ही अच्छे तरीके से कबाब रेडी हो चुका है, इसको अब हम उतार लेंगे। अच्छा जी, ये थी हमारी चिकन जो पैन कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाई है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी, आप भी ट्राई करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।